नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास Redmi का कोई भी फ़ोन है और उसमें ये प्रॉब्लम आ चुकी है जो कि है फास्ट बूट मोड की, तो दोस्तों डोंट वरी, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास Redmi का कोई भी फ़ोन है और उसमें ये फास्ट बूट मोड की प्रॉब्लम आ चुकी है तो उसको कैसे सही करना है, कैसे हटाना है, कैसे रिमूव करना है, कैसे सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा और बताऊंगा। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है उससे जानने से पहले एक सवाल कुछ भाइयों के आते रहते हैं कमेंट में कि क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाने के बाद हमारे फ़ोन का जो भी डाटा है जैसे लाइक फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऐप्स, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों घबराइए मत, बिल्कुल भी आपके फ़ोन का जो भी डाटा होगा वो बिल्कुल भी डिलीट नहीं होगा। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, मैंने एक मैच बॉक्स का फ़ोटो क्लिक करके रखा है अपने फ़ोन में, आपको दिखाऊंगा। तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करना वो देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये बटन है पावर, ठीक है, और इसके ऊपर है वॉल्यूम डाउन और उसके जस्ट ऊपर है वॉल्यूम अप बटन। तो आपको क्या करना है, इन तीनों बटनों को, एक बार वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को, इन तीनों बटनों को कुछ इस तरीके से एक साथ 20 सेकंड तक दबा कर रखना है। कितना सेकंड तक? 20 सेकंड तक। जैसे ही आपके फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हो जाए, काली पड़ जाए, आपको तीनों बटनों को छोड़ देना है। कैसे? इस तरीके से। अब आपको MI का लोगो दिखेगा, ठीक है, MI का लोगो दिखेगा इस तरीके से। MI का लोगो दिखा, MI.com लिखा हुआ आ रहा, बिल्कुल भी घबराना नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आपका फ़ोन का डाटा डिलीट होता है या नहीं। आपके फ़ोन का कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा और इस तरीके से आप किसी भी Redmi के फ़ोन से ये प्रॉब्लम को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से आपने अपने इस फास्ट बूट मोड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, हटा लिया है। अब इस तरीके से स्वाइप अप करूँगा, अपनी गैलरी में लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। एक फ़ोटो मैंने क्लिक करके रखा था, यहाँ पर देखिए, ये देखिए मैंने एक फ़ोटो क्लिक करके रखा था, मेरा फ़ोटो है, तो कुछ भी डिलीट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।